हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। उप जिलाधिकारी खड्डा के द्वारा खलिहान की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। खाद गड्ढे में सहाबुद्दीन द्वारा शौचालय की पक्की टंकी बनाया जा रहा था, जिससे बगल में बना डॉक्टर मोहर्रम अंसारी का दीवार गिर गया। गिरने के बाद सहाबुद्दीन व उनके बच्चों द्वारा झगड़ा मारपीट हुआ और बार बार डॉक्टर के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कुशीनगर खड्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़िया बसंतपुर के टोला रंगपुर के रहने वाले सहाबुद्दीन अंसारी ने खाद गड्ढे की जमीन में शौचालय का पक्की टंकी बना रहा था, जिससे बगल में बना चारदीवाली डॉक्टर मोहर्रम का गिर गया था। यह मामला 4 साल पूर्व से हुई लड़ाई हुआ और यह इतना तूल पकड़ लिया कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। डॉक्टर मोहर्रम के द्वारा जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि यह सहाबुद्दीन के बने हुए मकान खलिहान की जमीन है, तो उन्होंने उनके ऊपर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा जब पैमाइश की गई तो मालूम हुआ कि सिर्फ सहाबुद्दीन नहीं बल्कि इनके अलावा 5 और लोग अतिक्रमण किए थे, जिससे पक्का मकान बना हुआ है। इस मामले में तहसील व कोर्ट से नोटिस होता रहा है, लेकिन नोटिस को दरकिनारा कर दिया जाता है। आखिरकार हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग को आदेशित किया कि निर्धारित समय के अंदर खलिहान की जमीन को खाली कराया जाए। फिर हाईकोर्ट के द्वारा कुशीनगर जिला अधिकारी को पार्टी बनाया गया और आदेश दिया गया कि 16 तारीख से पहले खलिहान की जमीन को खाली कराएं, अन्यथा हाईकोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिर जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी खड्डा उपमा पांडे के साथ खड्डा तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी और खड्डा क्षेत्राधिकारी शिवाजी सिंह के साथ में सैकड़ों पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी के द्वारा उन सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर नेबुआ नौरंगिया थाना प्रभारी गिरिजेश उपाध्याय, खड्डा थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह, हनुमानगंज थाना प्रभारी पंकज गुप्ता, एसआई भरत राम मिश्रा, रमाशंकर यादव लेखपाल, अभिमन्यु मिश्रा कानूनगो आदि अधिकारियों के अलावा पूर्व प्रधान संजय राव, ग्राम प्रधान श्री राम राम विकास राव, अभिषेक सिंह, बंटी सिंह, सोनू अंसारी आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। देखिए कुशीनगर से अजित कुमार यादव की रिपोर्ट। हटाया जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। जिन्होंने भी सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है उनके लिए क्या निर्देश होंगे? सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए, ये लोगों को भी पता होना चाहिए और हमारे लेखपाल, हमारे प्रशासन सभी को ये चीज़, गांव के प्रधान, इनको सही वक्त पे जब कोई कब्ज़ा होता रहे तो उसी समय इसको रोकना चाहिए। और मैं पब्लिक से भी, सारे लोगों से भी अपील करूँगी कि कहीं पे भी कोई निर्माण करने के पहले पूरी तरीके से जानकारी कर लें कि ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन नहीं है, अन्यथा की दृष्टि में कार्रवाई होगी। मैडम एक और बात है, ये ज़मीन खाली कराने के लिए इसका जो प्रोसीजर है, कितने दिन बाद लोगों को बताया जाता है कि आप ज़मीन, आपको ज़मीन खाली करना पड़ेगा या फिर प्रशासन हटाएगी इस पर? कोर्ट के आदेश के बाद इनको 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, खुद से ही खाली कर लीजिए। 15 दिन के समय के बाद अगर वो नहीं करते हैं तब इसको हटाया जाता है। मैडम ये जो जिन लोग जमीन खाली कराई गई है इसके अलावा उनकी कोई जगह नहीं, कोई जमीन नहीं है, आपने भी इतना महिलाएं आपसे बता रही थी, तो इनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया जाए? अब इनको इसमें हम लोग सारे रास्ते जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी जो भी सरकारी सुविधाएं इनको दी जा सकती है वो सारी दी जाएगी। मैम इसमें एक बात और है, ये जगह जो दिया गया है इसके नाम पहले कोई और दिया गया था, उसके जगह पे यहाँ दिया गया है, ये किसकी टूटी है? देखिए ये तो बहुत टेक्निकल इशू है कि किस स्थिति में यहाँ पे आए, कैसे हुए, लेकिन ये सुरक्षित श्रेणी की जमीन है। सुरक्षित श्रेणी की जमीन पे कोई नहीं है कि जैसे दूसरे जगह जमीन मिली थी उसके नाम पर यहाँ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कुछ ना कुछ वो है। हमको बंजर के ही नाम पे यहाँ पे जमीन दी गई, लेकिन बाद वो देखे, वो एक दूसरा एंगल है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो कागज होंगे हम वही मानेंगे, लेकिन अभी जो है वो सुरक्षित श्रेणी पे है और सुरक्षित श्रेणी की जमीन पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी का निर्देश है कि उस पे कोई भी अपना निर्माण नहीं कर सकता।